देयर आर फोर सेक्शंस फोर। नमस्कार पीएमसी गुजरात पे सभी स्वाध्यायियों का, सभी ज्ञान के प्रेमियों का स्वागत है। हम वन माइंड, जो लैरी डॉसी की बुक है कॉन्शसनेस के ऊपर, वन कॉन्शसनेस, अगर वो भारत में होते तो उन्होंने अद्वैत ऐसा कुछ किताब लिखा होता, वन माइंड वन कॉन्शसनेस। कल हमने इसके लैरी डॉसी के बारे में थोड़ी सी बातें सुनी थी और आज हम इनका पहला चैप्टर देखेंगे। ये जो लैरी डॉसी की ये बुक है, इस बुक में चार सेक्शन हैं, ग्लिम्स ऑफ माइंड, वर्किंग विद वन माइंड, ग्लिम्स ऑफ वन माइंड, वर्किंग विद वन माइंड, एक्सेसिंग वन माइंड एंड द वे फॉरवर्ड। तो ग्लिम्स ऑफ वन माइंड में कुछ वैसी स्टोरीज होंगी जिसके माध्यम से हमें यह बात पता चलेगी कि हाँ, वन माइंड जैसा लाइफ में भी कुछ होता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही बात हमें समझ में आती है। अगर अनुभव नहीं हो तो वन माइंड वन कॉन्शसनेस अद्वैत यह बस एक थ्योरी रह जाएगी। तो वेस्टर्न ऑथर और स्कॉलर रिसर्चर तो प्रैक्टिकल में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। काफी इस बुक में वैसे हमें फिलॉसफी भी काफी पढ़ने को मिलेगी और उस फिलॉसफी का बेस भी काफी एक्सपेंडेड होगा। कई सारे स्कॉलर फिलोसफर मिस्टिक को वो कोट करेंगे, लेकिन फिर भी ज्यादा उनका इंटरेस्ट, वेस्टर्न लोग प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं। इंडिया में तो हम सिर्फ फिलोसफी पे भी पूरी जिंदगी निकाल सकते हैं। तो ग्लिम्स ऑफ वन माइंड, हम ये सेक्शन पहले आता है और इसमें आठ चैप्टर्स हैं। सेविंग अदर्स, पैटर्न सेंट ऑफ वन माइंड एक्सपीरियंस, वन माइंड इज नॉट एन इनफिनाइट ब्लॉब, द सेंस ऑफ बीइंग स्टीयर्ड एट। इसमें रूपर्ट सेल्ड्रिक एक साइंटिस्ट हैं, उनका मॉर्फिक फील्ड पे बहुत इंटरेस्टिंग काम है और वो आने वाला है। ही इज ए वेरी इंटरेस्टिंग मैन, मॉर्फिक फील्ड, मॉर्फिक रेजोनेंस, उसको मैंने पहले थोड़ा पढ़ा हुआ है। तो ये है, ये द सेंस ऑफ बीइंग स्टेयर्ड एट, ये एक्सपेरिमेंट इसमें एक आएगा, इसकी फाइंडिंग आप सुन के हैरान हो जाएंगे। दे मूव्ड एज वन, द वन माइंड ऑफ एनिमल। सिक्स चैप्टर ऑनवर्ड्स एनिमल कॉन्शसनेस और ह्यूमन कॉन्शसनेस के बीच का वननेस या उनका आपस में वननेस, इसकी बात थोड़ी आएगी। जो वन कॉन्शसनेस का कंसेप्ट है, ये सिर्फ ह्यूमन पे अप्लाई नहीं होता, जानवरों पर भी अप्लाई होता है, इनफैक्ट ज्यादा अप्लाई होता है। वहां पर जो हमारे भीतर हम वननेस से क्यों डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जो वननेस को अगर हम स्पिरिचुअलिटी के रूप में देखें, स्पिरिचुअलिटी का एक एस्पेक्ट, स्पिरिचुअलिटी का हायर एस्पेक्ट, तो हम स्पिरिचुअलिटी से क्यों डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जो हमारे भीतर होता है फियर, डर, एमिग्डाला, वो थोड़े से चिंगारी से ही, थोड़े से स्टिमुलस से ही तुरंत एक्साइट हो जाता है, तुरंत एक्टिव हो जाता है। जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं फाइट एंड फ्लाइट मोड के, उसको हम छोड़ नहीं पाते, वो हावी होता है। अनुभव तो सारे हैं, लेकिन अगर वो डॉर्मेंट मेमोरीज में चले जाएं तो वो प्रभावित नहीं करते, लेकिन अगर सबकॉन्शियस मेमोरी में, सुपरफिशियल सबकॉन्शियस मेमोरी पे हो तो वो हमको डिस्टर्ब कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी का एक्सपीरियंस, वन कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस होने में ये एक दिक्कत होती है, पास्ट को पकड़ना। जितना पास्ट छूट जाए, जितना हम नाव में आ जाएं, वन माइंड हमारी डेली रियलिटी बन सकती है। तो ये स्टेप वाइज आगे लेके चलेंगे। पहले ग्लिम्स आएगा, फिर और बातें हमें पता चलेंगी। अगर आप, जो लोग
पढ़ रहे हैं, ऐसे तो जो रीडर है उनको तो अपना पहला चैप्टर पहले देख लेना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास समय है तो पहले ग्लिम्स की बात है। अगर आपको जीवन में कभी वन का एक्सपीरियंस हुआ है, यहाँ पे किसी को वन माइंड का एक्सपीरियंस कभी हुआ है क्या, वन कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत अगर है तो शेयर कर सकते हैं। ग्लिम्स के बाद उनके साथ काम करना सीखना। धरती पर अभी तक हमने जो हमारा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन हो चुका है, अगर हम आगे का इवोल्यूशन अगर देखें, ये मेरे स्क्रीन पे जो लेफ्ट में पार्ट 1, 2, 3, 4 मुझे लिखा हुआ, मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है ना या नहीं दिख रहा? चैट में टाइप करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि दिख रहा कि नहीं दिख रहा। ग्लिम्स ऑफ वन माइंड, सर इट्स विजिबल, एवरीथिंग इज विजिबल। तो ग्लिम्स ऑफ वन माइंड, पहले थोड़ा सा हमको विश्वास होने लग जाए कि हाँ ऐसा होता है, फिर हाउ टू वर्क विद देम, हाउ टू एक्सेस देम प्रैक्टिकल लेव से, तो वर्किंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम एक्सेसिंग द वन माइंड में क्या होगा, मेडिटेशन क्या आएगा एक्सेसिंग द वन माइंड में? ऑब्वियस है मेडिटेशन की कुछ बातें आएंगी, प्रीमोनिशन की बातें आएंगी, तो आप जो सेक्शन में पहले जाना चाहते हैं, जैसे अगर ग्लिम्स के साथ अद्वैत के साथ आप फैमिलियर हैं कि हाँ अद्वैत जैसा चीज तो होता ही है, तो आप फिर आप एक्सेसिंग द वन माइंड सेक्शन पे भी डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। किसी भी सेक्शन के अंदर के किसी स्टोरी को, किसी स्टोरी मतलब किसी चैप्टर को पढ़ना शुरू किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हम पार्ट वन के पार्ट फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ना शुरू करें। तो इसमें सेविंग अदर्स, दूसरों की जान बचाना का एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हमें जानने को मिलेगा। आज की हमारी जो स्पीकर है उसी से हम सुने, मैं बता दूं तो फिर इंटरेस्ट कम हो जाएगा। जीवन में सिर्फ अपने लिए जीना और दूसरों के लिए जीना, वैसा एक्सपीरियंस हमको भी सुनने को मिलेगा। जितना हम दूसरों के लिए जीते हैं, आपका हार्ट कोहेरेंस जितना अच्छा है, गामा वेव जितना अधिक है आपके ब्रेन में, आप स्पिरिचुअली उतने एलिवेटेड हैं। उस एक्सपीरियंस से गुजरना और इस एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद या कभी गुजर जाते हैं तो उसको कैसे आप लेते हैं, उससे भी बहुत बात समझ में आती है। एक जोक से बात मैं शुरू करता हूँ आपके चैप्टर आने से पहले। एक बार कभी कहीं पर कोई व्यक्ति डूब रहा था, चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ बचाओ, बहुत लोग वहां पर खड़े थे लेकिन देख रहे थे कि वो हाथ पैर हाथ मार रहा है, चिल्ला रहा है। फिर एक आदमी के कूदने की आवाज आई छपाक, और फिर उसने हाथ पैर लगाया और वो बंदा बच गया। सब बाद में जब उसने डूबते हुए बंदे को बचा लिया तो बाद में फिर बात हो रही, उसको सब ही उसके लिए क्लैप कर रहे कि हेल्प की, और वो बंदा अरे वो सब छोड़ो ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया। वो हम किसी एक्सपीरियंस को कैसे लेते हैं, वो आप क्या करते हैं आपसे क्या हो जाता है, सिर्फ वही नहीं उस एक्सपीरियंस को आप कैसे लेते हैं, अभी इस चैप्टर में वो भी बात आएगी। लेट्स सी, ओवर टू गरिमा। फर्स्ट चैप्टर ग्लिम्स ऑफ, फर्स्ट सेक्शन ग्लिम्स ऑफ वन माइंड का फर्स्ट चैप्टर सेविंग अदर्स। Shall I start? Yes. पहले बुक के बारे में सभी को प्रणाम, मेरी तरफ
बुक कैसा लगा पढ़ते हुए, उसके बारे में थोड़ा बताते हुए स्टार्ट करो दैट चैप्टर में. हाउ डिड यू लाइक, हाउ मच यू लाइक ठीक है. मैं जो ओके तो ठीक है. हाँ, मैं जो मेरे को उस बुक में सबसे अच्छी पॉइंट लगी, सो वन माइंड इज अ बुक विच टॉक्स अबाउट लॉट अबाउट कॉन्शियसनेस, की जब हम बात करते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है हमारा, और शायद हम स्पिरिचुअलिटी में जो वननेस की बात करते हैं कि हर एक इंसान एक है, सो इसमें इस बुक में इस चीज की बहुत ज्यादा अच्छे से बात करी हुई इस चैप्टर में. और अगर हम जितनी भी जैसे मैंने बुक्स पढ़ी हैं, तो उसमें जो एक्नॉलेजमेंट होता है वो मोस्टली एक पेजेस का होता है, ठीक है. और सबसे पहले जो बुक है दैट इज डेडिकेटेड टू हिज वाइफ, जो राइटर है उनकी डोसी की वाइफ को डेडिकेटेड है ये. एंड ऑल्सो दे हैव एक्नॉलेजमेंट ऑफ 3 पेजेस, मतलब उनने इतने लोगों को एक्नॉलेज करा है. तो ऐसा होता है कि दैट उससे रिफ्लेक्ट होता है कि व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सनालिटी ही इज, मतलब उन्हें छोटी छोटी चीजों को उसमें एक्नॉलेज करा है. वैसे मैं बुक्स का कभी एक्नॉलेजमेंट इतना पढ़ती रही हूँ, पर मैंने इस बुक का एक्नॉलेजमेंट पढ़ा है. तो इसमें 3 पेजेस का उनने अपने हर एक इंडिविजुअल का इसमें ग्रेटिट्यूड पे करा है, जो हमने इतने मास्टर्स को पढ़ा है, इतने लोगों को अभी तक डिस्कस करा है. तो उसमें ग्रेटिट्यूड एक बहुत बड़ी चीज हमने अभी तक ल्यूस है के बाद ब्रेन वाइज का भी देखा. और तो इसमें यही है कि आप ग्रेटिट्यूड इतना पे करते हैं, तो इसमें एक्नॉलेजमेंट एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो इसमें इसमें बताया गया है, और वो मुझे बहुत पसंद भी आया है. एंड देन फिर इसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे हमने इससे पहले जो बुक पढ़ी तो उसमें बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स, इसमें चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं, वो भी एक अच्छी चीज मुझे इस बुक की लगी. एंड और छोटे चैप्टर से तो ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हमें इसको जल्दी से पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं जाना है. तो एक ये अच्छी पॉइंट लगी. एंड सबसे अच्छी चीज है कि जो राइटर है वो बहुत यंग लगते हैं, तो इससे पता चलता है कि दैट वो अपनी चीजों को बहुत अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं. और क्योंकि ही इज बॉर्न इन 19, सर कल हमने कौन सी डेट ऑफ बर्थ उनकी, 19, ही इज अराउंड 84, 82, एज 81, 84. एज 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 इंस्टेड ऑफ बायोलॉजिकल एज वी शुड जस्ट मेंशन द बर्थ ईयर. अगर वो माइंड से अपने आप को एजलेस फील करते हैं तो फिर हमारा एग्जैक्टली. हमारा वो काउंटिंग फेल कर जाएगा. जस्ट बर्थ ईयर 94, 940, 1940. हाँ, तो वो चीज, हाँ वो उनकी मतलब पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करता है. एंड इट्स बुक, मुझे ऐसा लगता है जैसे हमने अभी तक जितनी भी बुक्स पढ़ी है उसमें एक्नॉलेजमेंट और छोटी चीज के बाद दे स्टार्ट चैप्टराइजेशन, पर इस बुक में बहुत सारी चीजें उन लोग उनने अपनी लाइफ और चीजों को डिस्कस करा है. तो शायद उसको अगर हम देखेंगे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, दे हैव 35 पेजेस जो चैप्टर 1 से पहले स्टार्ट होती है. तो ये मतलब उनकी काफी अच्छी रिसर्च एंड काइंड ऑफ अ गुड बुक रिफ्लेक्ट करती है कि वो जंपिंग टू द चैप्टराइजेशन, उनने बहुत सारी चीजों को अपने एक्सपीरियंस को डिस्कस करा है. सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग चैप्टर 1. जो चैप्टर 1 है वो सेविंग अदर्स है, जैसे हम एक दूसरे को सेव कर रहे हैं वैसे अपने ज्ञान से सारी चीजों से, वैसे उनने इस चीज को एक इंसिडेंट के थ्रू डिस्कस करा है. सो आई विल बी शेयरिंग द पीपीटी एंड आई विल डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलरली चैप्टर की वन माइंड से आपका इसका जो पॉइंट है, व्हाट डू यू मीन बाय वन माइंड. सो वन माइंड एक जो यूनिटी यूनिफॉर्मिटी की हम बात करते हैं, उसमें ये राइटर ने वन माइंड जो बुक है कॉन्शियसनेस, ग्रेटर कॉन्शियसनेस जो वर्ड इसमें लिखा हुआ है, हाउ अवर इंडिविजुअल माइंड इज पार्ट ऑफ ग्रेटर कॉन्शियसनेस एंड वाई इट मैटर्स. सो पहले हम बुक के जो 3 लाइन्स हैं वो ही बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपका जो कॉन्शियसनेस है, जो हमने अपने कॉन्शियसनेस को बहुत चीजों में डिवाइड करा हुआ है इन डिफरेंट फॉर्म्स, तो वो बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल माइंड है, जो हमारा माइंड है, फॉर एग्जाम्पल जितने लोग यहाँ पर हैं, हम कहीं ना कहीं कॉन्शियस लेवल पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. और अगर हम जुड़े हुए हैं तो इसका बेनिफिट क्या है. हाँ, इसका बेनिफिट, और ये हम क्यों बुक पढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं
अगर हम सब लोगों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि क्यों हमें एक दूसरे से जुड़ के रहना है, तो शायद जो इतने सारे इश्यूज सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, सो कॉल्ड इश्यूज, हम क्योंकि हम जब स्पिरिचुअलिटी में तो कोई इश्यूज होते ही नहीं है, पर वैसे भी जो एग्जिस्ट करते हैं वो भी नहीं रहेंगे. सो जो फर्स्ट चैप्टर है वो आता है हमारा सेविंग अदर्स. सो इसमें जब हम सेविंग अदर्स की बात करते हैं तो इसमें एक स्टोरी के साथ ये चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसमें ये जो ऑड्रे है, एक जो 50 इयर्स ओल्ड जो अपनी दो बेटियों के साथ एक रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन आने का वेट कर रहे थे. तो हम कहते हैं ना, हम अपने दिन को, अपनी जिंदगी को कितना प्लान आउट करते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि नेक्स्ट जो सेकंड है हमारा वो हमारी लाइफ में कितने चेंजेस कर देगा. सो हमें पर फिर भी बिकॉज हमें ये सिखाया गया है कि अरे मतलब प्लानिंग तो करो, सेविंग्स करो, मतलब सेविंग अदर्स नहीं सिखाया गया, पर सेविंग्स के आपके फ्यूचर्स की मेडिकल इलनेस होगी, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आ सकती हैं. तो हम इसमें जब हम बात करते हैं कि ऑड्रे जो है वो वहां पे रेलवे स्टेशन पे जब वेट कर रहे होते हैं तो उनको नहीं पता होता है कि कुछ मिनट्स के बाद उनकी लाइफ में इतने ट्रिमेंडस चेंजेस आने वाले, इतने सारे इवेंट्स आने वाले हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में कभी इमेजिन ही नहीं करे होते हैं. तो इसमें एक कैमरन हेलो पीटर जो एक 20 इयर्स एक स्टूडेंट होता है न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी का, उसको वो रेलवे स्टेशन पर जब अपनी ट्रेन का वेट कर रहा होता है उसको सीजर्स के अटैक आते हैं और वो एकदम से प्लेटफॉर्म के बीच में मतलब गिर जाता है. और जो ऑर्ट्रे होता है उसको एकदम से देखता है और वो एकदम से कुछ सोचता नहीं है कि मतलब मैं इसको क्या करूं, क्यों बचाऊं, वो एकदम से ही जंप्ड आउट. और अगर आप लोगों में से किसी ने भी ट्रेन में ट्रैवल करा होगा और अगर वेट भी किया होगा तो उसमें जो दो ट्रेन के बीच में गैप्स था उसमें एक ड्रेनेज था और वो उसको एकदम से वहां से, क्योंकि ट्रेन अप्रोच कर रही थी, उसने उसको एकदम से जो हेलोपीटर था उसको अंदर लेके गया वो, और उसके ऊपर से कार भी निकली. पर एकदम से मतलब उसकी जो डॉटर्स थी और उसने एकदम से चिल्लाया कि आई एम सेफ. ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चंस कम कि उसने इतना बड़ा स्टेप कि वो तो उसको जानता भी नहीं था, शायद उनकी बात भी नहीं हुई थी. जैसे ऐसा होता है कि आप किसी से बहुत टाइम से रेगुलरली मिल रहे हो तो ठीक है, एक कनेक्शन हो जाता है, पर वो तो कैमरून को जानता भी नहीं था. और उसके लिए इतना रिस्क टेकिंग स्टेप लेना एक बहुत बड़ी चीज थी इसमें. तो द क्वेश्चंस कम कि हम जो ऑड्रे हैं उसने इतना बड़ा स्टेप, एक अननोन पर्सन जिसको वो शायद ना पहले मिला था ना उसको था कि, और उसके ऊपर एक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, कोई ड्यूटीज नहीं थी, उसने आउट ऑफ किस क्या मेन रीजन हो सकता है कि उसने कैमरून को सेव करा? Can anyone tell me? कोई मुझे बता सकता है कि हमने जो उन्हें इतना बड़ा स्टेप लिया वो क्यों लिया होगा? आप चैट में भी लिख के देख मतलब बता सकते हैं कि why we have कि हमने इतना compassion due to one mind. उसको क्यों सोचने का भी समय नहीं होगा जब वैसी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है कि कोई बंदा गिर गया है. हाँ. रेलवे ट्रैक पे ट्रेन आ रही है, वो मर जाएगा अगर ट्रेन उसके ऊपर से गुजरेगी, तो उस मोमेंट में तो सोचने का सभी भी नहीं, समय नहीं है. हुआ है यही, उसने बस किया उसके साथ कुछ, जो बहुत भी, हाँ, वो किया. हाँ. बट जस्ट टू सेव जो बोला है कि सेव क्यों किया, मतलब व्हाई द क्वेश्चंस कम कि हम सेव क्यों करें, मुझे क्यों करना है कंपैशन. हाँ, ही फेल्ट कनेक्टेड, बट व्हाई वी फील कनेक्टेड टू द पीपल हू वी डोंट नो इट, मैं तो नहीं जानती हूँ उनको, तो हम क्यों उनके साथ कनेक्शन फील करते हैं ह्यूमैनिटी. hmm.
दिस इज द रियल फोटो ऑफ दैट गाय ऑटरी, जो टाइम मैगजीन में 2007 में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन के रूप में टाइम मैगजीन ने उसको कवर भी किया था इस स्टोरी को. टाइम मैगजीन इज ए वेरी पॉपुलर एंड रिस्पेक्टेड मैगजीन. यही वो बंदा है जिसने ट्रेन में कूद के एक अनजान आदमी की जान बचाई. सर जब आई वाज अटेंडिंग वन सेशन ऑफ यू जिसमें हम बुद्धा मेडिटेशन की बात कर रहे थे, और बुद्धा मेडिटेशन में जब हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करा था वो था एम्पैथी, कि जब हमारे मन में ये भावना आने लग जाए एम्पैथी वननेस, तो शायद हम एक अपने ऊपर चेक, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेनेवर आई स्टार्ट टेकिंग द सेशंस मैं एक अफर्मेशन देती हूँ, आई एम जस्ट द चैनल, आई एम जस्ट द चैनल्स, आई एम नथिंग बट, ये एक मतलब एक अवेयरनेस है वो सारी चीजें हैं. तो ये जो हमें अगर मैं वाला भाव चला गया, मैं वाला जो भाव है अगर वो चला गया, तो वननेस ऑटोमेटिकली हमारे मन में आएगी. और जितने भी लोग अगर हम चाहते हैं, क्योंकि एम्पैथी आई, तो जैसे कल हमने डिस्कस करा कि आपकी जो एनर्जीज होती हैं, ठीक है, माइंड से एनर्जी से माइंड, फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी में सर्विस सबसे ऊपर रखी है, सर्विस को हमने सबसे ऊपर वाला पार्ट दिया है, और बहुत सारे लोग सर्विस करते हैं. तो जैसे मैंने विपासना मेडिटेशन ज्वाइन करा था, तो वहां पे भी ऐसा होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं जो सर्विस देते हैं, तो उसमें उधर सब कुछ ये बताया जाता है कि दैट आप हमेशा एक चैनल समझिए, अपने आप को ना समझिए. द वननेस द ईगो, जब व्हेन आपके मन से जो ईगो डिसॉल्व होने लगेगा, और आप किसी को ये नहीं समझोगे अरे भाई मैंने तो इतनी बुक पढ़ी हुई है, मैं तो बहुत नॉलेजेबल हूँ, तो आप ये नॉलेज ना ऐसे बोल के नहीं रिफ्लेक्ट करोगे. योर पर्सनैलिटी शुड रिफ्लेक्ट इट. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पर्सनैलिटी वो रिफ्लेक्ट करती है. तो वैसे जब हमने ये वाला जब केस हुआ था, इसमें जब हम बात करते हैं कि उसमें यही बोला कि जब उनके सामने जब ये सिचुएशन आई, ऑट्रे के सामने सिचुएशन आई कि उनको किसी एक ऐसे इंडिविजुअल को सेव करना है जहां पे वो उसको जानते भी नहीं है, वो उनको जानते भी नहीं थे, पर उनको लगा कि नहीं एज अ, तो जब उनसे वो क्वेश्चन पूछा गया कि आपने उसको सेव क्यों किया, मतलब क्या रीजन क्या था, तो उन्होंने बोला मेरे पास तो कोई रीजन ही नहीं है कि मैंने क्यों सेव किया, मतलब. और उसके बाद क्या था कि बहुत सारे उनको जो उनका जो एक्ट था उसके कारण ना उनको बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिला, इवेंट्स में उनको वो लोगों को बुलाने लगे, एंड ही इज जस्ट अ नॉर्मल कंस्ट्रक्टर वर्कर्स थे, अपनी सिंपल सी लाइफ जी रहे थे, उनकी डॉटर्स को फंड्स, मतलब he got benefited out of that particularly act, पर जब उस act को करने से पहले उनको नहीं पता था कि उनको उस particularly act से क्या क्या benefit हो सकता है. तो जैसे बहुत सारे यहाँ पे एक जो उनने जो great mythologist है Joseph Campbell, कि जैसे आपके जब हम individual जो होते हैं, कि एक हमने oneness की बात करी है कि that हमने अपनी लाइफ से भी ज्यादा किसी की लाइफ को वो दिया. उस इवेंट में ऐसा भी हो सकता था क्योंकि जब ऑड्रे ने उसको सेव करा था, तो जस्ट लाइक कि आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में सीन आता है कि वो एकदम से दूसरे इंसान को बिल्कुल कवर अप कर लेता है, तो रिस्किंग इसमें हम बचा भी नहीं रहे हो, आप अपनी लाइफ को भी रिस्क में ले रहे हो. सो ये एक क्वेश्चन आता है, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो उनमें बोली है कि जो सेपरेटनेस है, कि आप जो सेपरेटनेस इसमें था वो क्या हुआ है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करा है. तो उनने उनसे जब ऑट्रे ने ये जब क्वेश्चन आया कि आपने इसको बचाया क्यों है, तो उनने बोला कि ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक्ट था, मैंने कुछ ऐसा सोच समझ के वो चीज नहीं करी है, वो मेरे से हो गया है, और मुझे ऐसा लगा किसी को मेरी जरूरत है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनको ऐसा लगा किसी को मेरी जरूरत है, बिना किसी के बोले हुए आपने उसकी जरूरत को समझ लिया. सो यू हैव अ एक्ट ऑफ वननेस इन इट, वन माइंड इन इट, वन कॉन्शियसनेस इन इट, और एम्पैथी आपके माइंड में है. सो समवन हु नीडेड हेल्प, आई डिड इट व्हाट आई फील फेल्ट वाज राइट. सो जब हम इसमें एक बहुत सारी अच्छी चीज है इस लाइन में कि आई डिड व्हाट आई फील्ड वाज राइट,
बहुत सारे हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन को फील करते हैं, तो इसमें ये होता है कि हम वी स्टार्ट पीपल जजिंग कि इसने ऐसा क्यों किया, पर हर इंसान के पास एक जवाब जरूर होता है कि मैंने वो किया जो मुझे ठीक लगा, और हर कोई इंसान वो ही करता है। तो इसमें आपका कहीं ना कहीं वो जजमेंटल पावर भी उनने ले लिया कि आप मुझे इस बेसिस पे जज भी मत करो क्योंकि मुझे वो चीज उस मोमेंट पे राइट लगी। एंड फिर आते हैं कि व्हाई वुड वन पर्सन विलिंग टू टेक रिस्क और सेक्रीफाइस हिज और लाइफ फॉर अनदर। क्वेश्चन आते हैं कि क्यों मैं ऐसे क्यों किसी की लाइफ को, अपनी लाइफ को रिस्क करके। एक होता है कि मैं किसी को सेव तो कर रहा हूँ पर मैं अपनी लाइफ को रिस्क नहीं कर रहा। तो इसमें जो जैसे काउंसिल है और तो वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपका इसमें क्या चीज आ जाती है, जो एक सेपरेटनेस है वो एक कंपैशन जो है वो आपके मन में आता है, और जो जो सेपरेटनेस है वो एग्जिस्ट जो करती है वो फंडामेंटल नहीं है, ये हमारी सोसाइटी के कारण हमने डेवलप करी है। तो वहां पे क्या होता है कि दैट आपके अंदर जो सेपरेटनेस है वो क्या होती है, वो चली जाती है। सो आपके अंदर वो सेपरेटनेस चली गई एंड इवन अ पर्सन नेशन, कहीं ना कहीं आप एक क्या कर रहे हैं, इस पार्क की बात कर रहे हैं। तो इसमें एक और जो क्वेश्चन आता है कि वाई जो पर्पस जो है केयरिंग एम्पैथी एंड लव, कहीं ना कहीं अगर हम इस सोसाइटी में बहुत सारे जो इश्यूज हैं, अगर हम उस चीज को लव एम्पैथी और कंपैशन को बहुत अच्छे से अपनी सोसाइटी में लेके आ जाए तो बहुत सारे इश्यूज तो अपने आप पे ही, अपने आप ही सोसाइटी से चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम ह्यूमन राइट्स के ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो क्या हम डिग्निटी की बात करते हैं कि हर एक इंसान की एक डिग्निटी है उसको बात करने की। बिकॉज आई टीच ह्यूमन राइट्स, मैं ह्यूमन राइट्स पढ़ाती हूँ, तो मैं जैसे बहुत सारे वॉर होते हैं, ये सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होती है कि कहीं ना कहीं हमारे जो सेल्फिश इंटरेस्ट हमारे अंदर है वो एग्जिस्ट करते हैं। और व्हाट डज द इंडिविजुअल गेन बाय एक्टिंग ऑन दिस फीलिंग्स, जो इंडिविजुअल्स हैं उनको इस फीलिंग से क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो देखा जाए कि अगर हम किसी बिना किसी बेनिफिट के कोई कोई भी एक्टिविटी करते हैं वो एक अलग टाइप की खुशी भी देता है। मुझे ऐसा लगता है दैट कि आपको इंडिविजुअल गेन बाय एक्टिंग ऑन दिस फीलिंग। सर जो आप इंस्टिंक्ट की बात कर रहे हो कि दैट ही फॉलोज हिज इंस्टिंक्ट, पर इंस्टिंक्ट शायद उसको तभी आई बिकॉज ही वॉज वेरी मच काइंड ऑफ अ ग्राउंडेड पर्सन, वो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड थे, और ही समथिंग जिसने सेपरेटनेस के कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं, उसने वो बिहेव करा जो वो सबके साथ करता। जैसे हम लोग जो सेपरेटनेस वाला कॉन्सेप्ट है कि मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को सेव करने के लिए जो स्टेप्स लूंगी वो शायद मैं किसी और पर्सन के लिए नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस में सेपरेटनेस एग्जिस्ट करती है। आपकी इंस्टिंक्ट जब ही काम करती है जब आपके मन से, आपके कॉन्शियसनेस से इंस्टिंक्ट वो सेपरेटनेस ही नहीं है। सो कहीं ना कहीं ऑट्री के इनर कॉन्शियसनेस में, क्योंकि हमने जब वो तीन लाइन पढ़ी है कि वाई वन कॉन्शियसनेस एंड वाई इट मैटर्स, बिकॉज ये आपकी कहीं ना कहीं जो कॉन्शियसनेस से वो चीज चली जाती है तो सेपरेटनेस आपकी ऑटोमेटिकली चली जाती है। तो ऑट्री ने जो भी एक्ट करा वो क्या उसका इंस्टिंक्ट थी, उसकी कॉन्शियसनेस में जो एक पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेटनेस वो एग्जिस्ट नहीं करता था। इसके बाद एक जब हम इसमें नेक्स्ट स्लाइड्स की कि बहुत सारी हमारी जो हम पतंजलि एंड योग सूत्र और इस चीज की बात करते हैं, हम भगवत गीता में तो हम यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं कि एम्पैथी जो हमारे एक्ट्स हैं कि उसका उसका मतलब क्या है, क्यों हम इसको फॉलो करते हैं। सो जो एम्पैथी एक्ट्स हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब हमने इंस्टिंक्ट की बात करी, सेपरेटनेस की बात करी, और जो हम बुद्धिज्म में भी फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म जो मेडिटेशन और बुद्धिज्म का जो है, तो हम वननेस की बात करते हैं, वननेस और वन माइंड वन कॉन्शियसनेस, और ये जब हमारे यूनिवर्सल वे में हर एक इंडिविजुअल इसको फॉलो करेगा
तो कहीं ना कहीं आप एम्पैथी को अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो, और जो सेपरेटनेस है, बिकॉज एम्पैथी एक्ट हमारे किस तक एक्सटेंड करते हैं, हमारी क्लोजेस्ट फैमिली विथ हुम वी शेयर आवर जीन्स, हम कहीं ना कहीं उससे जेनेटिकली कनेक्टेड है, सिबलिंग्स, चिल्ड्रंस, किनशिप ग्रुप, ट्राइब्स एंड सोशल यूनिट्स, ठीक है, कहीं ना कहीं हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग जो फॉरेन में रहते हैं, अगर वो इंडियन से मिल जाते हैं वहां पे, इतने हमें देख के इंडिया में खुश नहीं होंगे वो, पर बाहर जाके हमें देख के बहुत खुश हो जाते हैं, तो दैट इज सोशल यूनिट्स, हम लोग अपने अपने लोगों को यहाँ पे इतनी वैल्यू नहीं देते. सो जो एम्पैथी एक्ट्स हैं आपके, दैट विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन. हमें क्या उस चीज को, हमें वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लॉन्ग रन में आपको हमेशा बेनिफिट करते हैं, बिकॉज कहते हैं ना, लाइफ इज लाइक अ सर्कल, वॉट एवर यू गिव्स इज कम बैक टू यू, ठीक है. आप अगर लव एंड अफेक्शन यूनिवर्स में दे रहे हैं, सो आप लव एंड अफेक्शन आप अच्छी उसको वो करेंगे ही है. अब ये है कि हाउ मच यू आर अवेयर ऑफ इट, आप कितने अवेयर रहते हो, और अगर आप अपने अप्रोच, अपनी कॉन्शियसनेस को हमेशा पॉजिटिव ही करते रहोगे, इट इज ऑल अबाउट कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज, बिकॉज हमने प्रीवियस बुक में भी कॉन्शियसनेस को बहुत पढ़ा है. तो एम्पैथी एक्ट्स आपके हमेशा लॉन्ग रन में बहुत क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, एम्पैथी से हम क्लोजेस्ट फैमिलीज नहीं, हम और भी लोगों को इससे बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, बेनिफिट कर रहे हैं. सो आप कहीं ना कहीं अपने इस लव को, इसको किसको दे रहे हैं, हर किसी को आप लव एंड अफेक्शन दे रहे हैं. सो सेकेंड क्वेश्चन जब हम आता है कि जो इसमें जो ऑल्ट्रुइज्म का एक्शन था, कि why people perform selfless acts, लोग selfless acts क्यों perform करते हैं. So selfless, self से less होना, इस word में ही इसका meaning exist करता है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारे जो कर्म है, कर्म अब हम अपने लिए करना बहुत पसंद करते हैं, पर लोगों के लिए नहीं. पर जब हम सर्विस में आते हैं तो हम वो कार्य अपने लिए नहीं करते हैं, हम दूसरों के लिए करते हैं और सेल्फलेस हो जाते हैं. सेल्फलेस, वो मेरे लिए नहीं है, अपनी सेल्फ के लिए नहीं है, मेरे सेल्फ को वो नहीं, आधार नहीं है उसका कर्म करने का. सो द क्वेश्चन कम कि एक इंडिविजुअल जो है वो इतना डेंजर लेके और पेन ऑफ अनादर, जैसे कल हमने हीलिंग वाली चीजें डिस्कस करी थी कि क्यों लोग हील करते हैं, दूसरे को पेन को क्यों लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनको, हम उनके पेन को फील करते हैं. सो कैन सो पार्टिसिपेट, जो क्वेश्चन इसमें आता है कि भाई पीपल परफॉर्मिंग सेल्फलेस एक्ट्स, तो जो इंडिविजुअल है जिसमें इसमें ऑट्रो है, उनने इतना डेंजरस, आप मतलब कभी दो ट्रेन्स को बहुत फास्ट आते हुए देखोगे ना, तो आपको मतलब लगेगा जैसे ट्रेन आती है तो दैट इट अट्रैक्ट्स लोगों को, लोग पीछे हो जाते हैं, क्योंकि वो एक मैग्नेटिज्म उसमें होता है कि वो मैग्नेट की तरह लोगों को खींचती है. तो इसमें जब आप जो जब उसको ट्रेन भी अप्रोच कर रही है, उसको पता है, तब भी उसने इतना डेंजर लिया और उसने किसी के पेन को समझा, और सेल्फ प्रोटेक्शन मतलब फॉरगेटिंग हिज सेल्फ प्रोटेक्शन. सो इसमें आते हैं सेल्फ सेक्रीफाइस कब होता है. सेल्फ सेक्रीफाइस जब होता है जब आप जो रेस्क्यूअर है और इसमें वो अपने आप को रियलाइज करते हैं, अपने जो ही एंड शी एंड द इंडिविजुअल इन नीड आर वन, मतलब इसमें जो ऑट्रो है उनने क्या करा है कि उनने अपने आप को और जो कैमरों ने उनके एक दूसरे को क्या करे सिमिलर समझा, उनने ऐसा नहीं समझा कि ये दोनों अलग अलग है, मतलब बहुत दोनों में एक वननेस वाली जो चीज आई है, उन्हें ऐसा लगा कि जिसको नीड है वो मैं ही हूं. द नीड इंस्टिंक्ट, और जब हमने बात करी तो इसमें वो इस बुक में डिस्कस करा है कि सेल्फ सेक्रीफाइस का भाव आपके अंदर सेल्फलेस एक्ट जब ही आएगा, जब आप ये समझोगे कि जो दूसरे का पेन है वो और दूसरा जो पेन में है उसको मेरी जरूरत है जैसे मुझे अपने आप की जरूरत. सो तो हमने एक सेपरेटनेस को डिसॉल्व करा
और हमने सोचा कि जो सेपरेटनेस के बाद डिसॉल्वनेस ऑफ सेपरेटनेस, सेपरेटनेस नहीं रही, उसके बाद हमने देखा कि इंडिविजुअल है, जिस इंडिविजुअल को जरूरत है वो मैं ही हूँ और सिमिलर चीज है, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो वननेस जब आती है, जब कहीं ना कहीं आपका सेंस ऑफ सेपरेटनेस इज टोटली ओवरकम। जब हम आते हैं कि सेपरेटनेस, जो हमने अभी भी डिस्कस करा कि सेपरेटनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ हर एक सोल किसी ना किसी से कनेक्टेड ही है। तो जब हम एक जो इंसान डेंजर में है और हम उसके बाद हम ये समझते हैं कि वो सेम इंसान हम ही है जिसको जरूरत है, तो कहीं ना कहीं हम सेल्फलेस एक्ट परफॉर्म करते हैं और हम वो एक्ट परफॉर्म करते हैं जो दूसरे की लाइफ को बचाता है, चाहे हमें उसके लिए अपने आप को भी डेंजर में डालना पड़ जाए। सो ये एक पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट है सेपरेटनेस का। सर सेल्फलेस इसमें किसी को कोई डाउट है? सेल्फलेस एक्ट ये इस जगह पे कोई डाउट का कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन हाँ इस मैटर पे किसी को कुछ कहना है इस पॉइंट पर? हाँ मतलब किसी को कुछ कुछ कहना है तो कह सकते हैं। लाइफ में सेल्फलेस हम कब हो जाते हैं या हुए, कोई इंसिडेंट्स किसी को शेयर करना हो, एनी एग्जांपल ऑफ सेल्फलेस एक्ट? गांधी जी, गांधी जी का एग्जाम्पल की पूरी लाइफ सेल्फलेस एक्ट का एग्जाम्पल है। मदर टेरेसा आल्सो इन दैट मैटर। बाबा आमटे आल्सो, बाबा आमटे ने मतलब कि सबको अपने उस पे खड़ा होने कर उनको अपना वो सिखाया, तो मुझे बाबा आमटे इस पे ज्यादा खड़े उतरते हैं। बाबा आमटे भी है एग्जांपल है, बस वो गांधी जी जितने पॉपुलर नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठीक है। अरे वाह, अनुपम जी भी कुछ बताइए। अनुपम जी क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, बोल कर बताइए। यस सर, मेरे साथ हुआ था, तो मतलब आई वॉज द व्हाट यू से सब्जेक्ट। ओके, सो आई वॉज क्रॉसिंग द रोड एंड पैर का एक्सीडेंट हो गया था, एंड इमिजिएटली वन लेडी शी वॉज देयर टू यू नो पिक हर सन अप फ्रॉम द स्कूल। इट वॉज स्कूल खत्म हो गया था, टाइम हो गया था, तो मैं रोड क्रॉस कर रहा था, बस ऑपोजिट साइड पे खड़ी थी, तो पता नहीं क्या हुआ, रोड जल्दी में क्रॉस किया, वो टैक्सी went through my leg, so I was flat on the ground. There were some other also friends there, so they were like panic shock, so much blood and all. So immediately within few 1-2 minutes only one lady saw that you know this is the condition. Immediately she picked me up, she put me in her car and you know took me to the hospital within few minutes, and that's how you know thanks to this oneness, जो भी समझ में आ रहा है, oneness from that lady, my leg got saved. So this I saw it happened with me. So we can correlate with this. हम बोलते हैं ना कि फरिश्ता आ गया कोई ऐसा, तो this is oneness sir. अभी समझ में आ रहा है. Right. अनुपम जी बोलिए. नमस्ते नमस्ते सर, सभी मास्टर्स को बहुत बहुत प्रणाम मेरा।
मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक बार का एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ, जिसमें हम जा रहे थे और अचानक से एक कार का एक्सीडेंट हो गया था वहां पे, मतलब हम जा रहे हैं बस हो गया सामने, तो वो थॉट प्रोसेस ऐसा था कि अभी हेल्प करना है, तो उसी समय बस मैं रुक करके और उनको लेकर के, और मतलब ये सोचा कि क्या होगा या हमें क्या करना है, बस थॉट ये था कि बस मुझे लेकर के उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है, उनको सेव करना है। तो हमने लाइफ में अगर हम जब चिंतन मनन करेंगे तो हम में से बहुतों के लाइफ में ऐसे कोई ना कोई इंसिडेंट हुए होंगे, और दोनों तरफ से या तो हमने सेल्फलेस एक्ट रिसीव किया होगा या दिया होगा। लेकिन बस बात यहाँ पर एक थोड़ी सी हमें हमारे लिए चिंतनीय है, यहाँ पे वेस्ले से जब बाद में पूछा गया व्हाई यू डिड इट, तो उसके पास कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, वो बोला जस्ट आई डिड इट, आई फेल्ट वन। तो कंपैशन का उसके एक्ट में कंपैशन है, लेकिन उस कंपैशन को कंपैशन की तरह नहीं बोल रहा, नहीं ले रहा। लाओत्ज़ू को जब हम पढ़ेंगे तो बात ऐसी आएगी, अगर आपने अच्छे को अच्छा बोला तो भी उसमें थोड़ी कमी आ जाती। थोड़ा सा बात को समझिएगा, कोई अच्छा इंसान है और अगर आपने उसे बोला कि ये बहुत अच्छा इंसान है, उसकी अच्छाई में थोड़ी सी कमी आ गई, जो अच्छाई है उसको जीन जिए, जीना चाहिए। तो जो सॉरी सर, एग्जैक्टली सेम इंसिडेंट 1 महीने पहले ही बॉम्बे में ट्रेन ट्रैक पे हुआ था, बॉम्बे आया था न्यूज में भी। तो वो बच्चा गिर गया था और ट्रैक पे कोई खड़ा था, तो इमिजिएट उसको कलेक्ट हुआ कि बच्चा गिर चुका है, और इमिजिएट 1 सेकंड में उसने बच्चे को बचाया, तो उसको भी अवार्ड मिला था, अभी थोड़े 1-2 महीने पहले की बात। तो अवार्ड तो खैर एक बहुत छोटी चीज रह जाती है, क्योंकि बट वो करेक्ट। जो चेतना का विकास, जो एलिवेटेड कॉन्शसनेस हो गई, उस एलिवेटेड कॉन्शसनेस को फील करना और वो जो एक मोमेंट का एक्सपीरियंस रहा, अगर हम वो हमारे लिए जीना हो जाए, स्वभाव बन जाए, तो और भी हायर पॉसिबिलिटीज खुलती चली जाएंगी। इस सो मच बाय 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 प्रोडक्ट, साइड इफेक्ट, अदर बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इवॉल्व कॉन्सियसनेस, इवॉल्विंग कॉन्सियसनेस, हायर कॉन्सियसनेस, जिसके लिए आएगा प्रीमोनिशन, क्लेयरवॉयंस, टेलीपैथी, और एज ए स्पीसीज हम बेहतर परफॉर्म करेंगे। अगर कनेक्टिविटी हम लोगों की ज्यादा है तो दुनिया में कहीं पर कंपटीशन नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा तो बिना कंपटीशन के अगर दुनिया हो तो जो लोगों में कहीं कहीं बार स्ट्रेस आ जाता है, कंपटीशन के वाला, कंपेयर करने वाला, वो नहीं होगा। जिन लोगों ने कंपटीशन को फेस किया हो, कंपटीशन से आगे निकले हो, उनको ये बात समझनी मुश्किल होगी कि बिना कंपटीशन के दुनिया कैसे चलेगी। बट दिस इज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, अगर हम कॉन्शसनेस के पैटर्न को समझें, यही होने वाला है। यहाँ पर जब तक बुक खत्म होगी, जैसे जैसे हम बात को समझते जाएंगे, इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते जाएंगे, जब सबके लिए केयर है, सबके लिए लव है, तो किसी को इन्फीरियर दिखाने की भावना क्यों, किसी को पीछा के पीछे छोड़ने की भावना क्यों। उबुंटू की स्टोरी सुनी होगी, वो रनिंग रेस में हाथ पकड़ के सब साथ में दौड़ते हैं, कोई पीछे कोई आगे नहीं है, नो वन इज अहेड नो वन इज बिहाइंड। ये जो हमारी बांटने की सोच है, जो सेपरेट करती है,
जो दूसरे को नीचा दिखाती है और नीचे दिखाने पे खुश होती है, और बहुत सारे पेरेंट्स भी अननोइंगली इसको करने लगते हैं, देखो देखो मेरा बच्चा फर्स्ट आया, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, कौन फर्स्ट आएगा, हम खेल खेल में अनजाने में कंपटीशन का बीज बो रहे हैं, हमको लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो अगर आप समझें कॉन्शियसनेस को, समझें कंपैशन को, तो हेल्पिंग नेचर के लिए, इम्पैथी के लिए किसी को छोटा, किसी को पीछा करने की जरूरत नहीं। विन विन सिचुएशन, हम लाइफ में विन विन सिचुएशन कैसे क्रिएट करें, वो एलिवेटेड कॉन्शियसनेस एग्जांपल है। वन माइंड में जब हम इंटर करने लग जाएंगे, वन माइंड को फील करते हुए, तो कोई पीछे ना रहे, कोई विक्टिम ना बने, कोई परपरेटर ना हो, लेकिन हमने मुहावरे भी बहुत अच्छे अच्छे बना दिए हैं, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या कुछ मुहावरों को भी चेंज करने की जरूरत है। खैर, तो इस स्टोरी के बाद इस बुक में डिस्कशन आएगा कि इसका बेसिस क्या है, उसके इस बिहेवियर का कारण क्या है, क्या किया, क्या अलग अलग फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स को के बारे में बात करेंगे, और डिफरेंट स्कॉलर, एक स्कॉलर, एक फिलोसफर हुए आर्थर शोपेनहावर, उनकी, यू कैन शेयर द पीपीटी अगेन गरिमा, उनकी बात अभी आएगी, क्योंकि इनके पास कंटेंट बहुत ब्यूटीफुल है, तो अगर कई रेफरेंस लेके चलते हैं तो हर फील्ड के लोग, इन्होंने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा, इन्होंने फिलोसफी पढ़ा होगा, तो वो भी इंजॉय करेगा। वैरायटी ऑफ कंटेंट है इस बुक में, तो हम एक चैप्टर को पढ़ते हुए दूसरे स्कॉलर के बारे में, किन बारे में भी जान जाएंगे। सो मैं स्टार्ट करूं? हाँ, स्टार्ट करो। सर, इसमें ना लैरी डोसी ने अपना भी वेतराम का जो वॉर हुआ था, जिसमें वो एज एन डॉक्टर मेडिकल असिस्टेंट के तौर पे वहां पे गए थे, तो उन्होंने एक अपना इंसिडेंट भी इसमें बताया है, जो बहुत अच्छा इंसिडेंट है। इसमें वो बताते हैं, उनमें जो ऑड्रे का जवाब था सेम, अब हम लैरी डोसी का भी जवाब, और उन्हें वो तो किसी को, बिकॉज ही वो तो वहां पे मेडिकल प्रैक्टिशनर एज ए डॉक्टर गए थे, तो इसमें वो बताते हैं इसमें कि जब वो वहां पर गए तो उनको था कि आप जब भी हम मेडिकल उसमें होते हैं तो आप एक्सटेंड पॉसिबल एफर्ट्स लेते हो, ठीक है, पर एक्सटेंड पॉसिबल एफर्ट्स में ये नहीं होता कि आप अपनी लाइफ को डेंजर में डाल, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि वियतनाम जो वॉर हो रहा था, जब वो लैरी डोसे वहां पर होते हैं और वहां पे एक एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट होता है उसका वो क्रैश हो जाता है, और वो एक साइड पे जो गिरता है तो उनके मेडिकल असिस्टेंट्स और वो उस साइड पे पहुंचते हैं, और वो बिना सोचे समझे उस हेलीकॉप्टर को टर्न करते हैं, उसकी सीट बेल्ट को लगाते हैं, एंड जितना उनसे होता है वो एक्सटेंड पॉसिबल एफर्ट्स के साथ उस पर्टिकुलरली पर्सन को जो पायलट होता है उसको बचाते हैं। और जब लेडी डॉक्सी को लगता है कि ये एक्ट मैंने कैसे कर दिया, मतलब वो अपने आप से वो सवाल पूछते हैं कि ये एक्ट मैंने कैसे कर दिया, मतलब मैं कभी भी ऐसा रिस्क टेकर ही नहीं था। पहला उनका जो जवाब था उसमें ये था कि वो कभी रिस्क टेकर नहीं, ऐसे होते हैं ना बहुत सारे लोग जैसे आर्मी वगैरह में हमने देखा है, उनको तो वो हम लोग ट्रेन करते हैं कि आप रिस्क टेकर हो, आप दूसरों की लाइफ के लिए, आपको इतनी हमने देखा, उनको इतने सारे हम देते हैं, जब तो उनको तो एक हमने ट्रेन करा है, उनका माइंड सेट ही ऐसा है। पर लैरी डोसे कहते हैं मेरे को तो ऐसा, मेरा मैं तो ऐसा था ही नहीं, पहले उनका ये था कि मैं तो ऐसा था ही नहीं और मैं कैसे हो गया ऐसा, ठीक है। और फिर सेकंड जब वो कहते हैं, जब मैं उस पर्टिकुलरली इंसिडेंट को वापस देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ये मैंने किया है। सो इससे हमें पता चलता है कि दैट लैरी डोसे भी इस चीज को उनने खुद एक्सपीरियंस करा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने वो चीज कर दी और उसके लिए हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है कि मैंने की क्यों,
जैसे ऑड्रे का भी यही जवाब था जब हमने देखा, तो उनने भी यही बोला मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों किया, यही जवाब था उनका कि मैंने क्यों किया ये मुझे ही नहीं पता। सो आप इसमें आना कि व्हाई पीपल परफॉर्म सेल्फलेस एक्ट, सेल्फलेस एक्ट जब ही होता है जब हमें पता ही नहीं है हमारा सेल्फ और दूसरे का सेल्फ में कोई सेपरेटनेस एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मुझे सभी उतने प्रिय हैं जितने मुझे अपने पेरेंट्स हैं, तो वो सेपरेटनेस तो चली गई, और जब वो सेपरेटनेस ही चली गई तो वो जो एक्शंस मैं अपने लिए लूंगी अपने पेरेंट्स के लिए लूंगी वो मैं उतना सबके लिए लूंगी, ठीक है। सो वो जैसे हमारे घर में हम देखते हैं कि अगर कोई चीज होती है तो हम इक्वली डिवाइड करते हैं, तो जैसे हम ट्रेन में जाते थे तो हमें तो पहले सिखा दिया जाता था किसी का लिया हुआ दिया हुआ लेना खाना पर पता नहीं बेहोश ना कर दे, ये हमें स्कूल टाइम में सिखाते थे, तो ये तो बहुत सिखाती थी मम्मी स्कूल से सीधे घर आ जाना, ये नहीं कोई कुछ दिया और खाने बैठ गए, तो मैं कभी नहीं कुछ खाती थी। तो ये चीज है कि हाँ, और पता नहीं दैट इज समथिंग विच इज इन माय फैमिली, और ये शायद जब मेरे फादर थोड़े से, हम लोग एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में हमेशा रहे हैं, वो हमेशा एल्डर रहे और उनके ऊपर हमेशा एक बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, तो आई हैव ऑलवेज कंप्लेन कि वो सबके लिए इतना कुछ क्यों करते हैं, मतलब उन्हें हमें प्रायोरिटीज देनी चाहिए, हमें, हम उनके बच्चे हैं, वो जो मेरे कजन्स हैं वो नहीं है ना उनके ब्रदर्स हैं, और तो पर उनको ये सेपरेटनेस उन्होंने कभी फील ही नहीं करी। सो ये चीज जब मैं 2017 में मैं मेडिटेशन में बैठी और एक मास्टर्स थे मेरे साथ, तो उनने बोला कि वो बहुत मैच्योर सोल है और उनने तुम में और किसी और में डिफरेंस ही नहीं समझा। सो वो आज भी नहीं समझते हैं, ठीक है, आज भी फॉर एग्जाम्पल कि वो उनके लिए सब बराबर है, और उस चीज के लिए हम उन्हें डांट के भी समझा, अब मैं तो नहीं डांटती हूँ, मम्मी कहती है तो पागल है जिसे सबकी सेवा में लगे रहते हैं, तो ये हमारे क्रिटिसिज्म अभी भी हो जाता है उनका। पर व्हेन आई कम इनटू स्पिरिचुअलिटी आई अंडरस्टैंड कि उनका वो सोल प्लान था, और मुझे ऐसा लगता है जो चीज मेरा थी मेरी डेस्टिनी में था वो ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में आ गया, वो कोई रोक नहीं पाया, एंड वो आज थी आजकल आज तक मुझे भी वो डाउटफुल होती है कि मुझे मिल कैसे गया, मैं तो डम मैं तो मेरी लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं था, पर ऑटोमेटिकली आफ्टर 12th कुछ पर्पस अपने आप आते चले गए, तो वो वननेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने अपने फादर से सीखा कि उनकी जो इतनी बड़ी फैमिली भी है, वो ह्यूज फैमिली, और जितने वो प्रोटेक्टिव मेरे लिए और मेरे, शायद वो हम लोगों के लिए कम प्रोटेक्टिव थे, उनके लिए और जो उनके ब्रदर्स के बच्चे थे वो ज्यादा उनके लिए प्रोटेक्टिव हुए, तो दैट थिंग आई लर्न फ्रॉम माई फैमिली। तो आज भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमने वो कहीं ना कहीं सब में है वो चीज कि सेपरेटनेस नहीं होती, और मैं आज भी यही चीज सोचती हूँ कि जो वॉट इज इन योर डेस्टिनी दैट विल ऑटोमेटिकली कम्स इन। तो जो हम भगवत गीता में पढ़ रहे हैं हर एक चीज कनेक्टेड है ये हमारे, तो जैसे इसमें एक शंकराचार्य के कॉन्सेप्ट को भी इस बुक में बताया गया है कि जो हम ब्रह्मांड ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो जैसे हमने बोला कि जो लुईस ही बोलती है अगर आपको कोई डिसीज है और आप उस डिसीज के बारे में डिस्कस करते रहोगे तो वो डिसीज तो जाएगी कहाँ से, क्योंकि हमने तो उसे पकड़ के रखा हुआ है ऐसे ये डिसीज है, तो वो कहते हैं कि आप ब्रह्मांड ब्रह्मांड से आप ब्रह्मांड अचीव नहीं कर पाओगे, आप इट इज विद दिस प्रिंसिपल ऑफ वनेस जिसमें हम बात करते हैं कि आपके अगर लाइफ में एक्सपीरियंस अगर आप नहीं कर रहे हो उसको फील नहीं कर रहे हो बस बोल रहे हो कि ब्रह्मांड जैसे सब कुछ जैसे एक जो सरेंडर है उसमें जब आता है कि जो सब कुछ मेरा है वो आपका है भगवान का है, ये तो सब कहते हैं ना कि जो जो मेरा है वो मेरा का है वो ईश्वर का है, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज कहते हैं पर कभी भी तिजोरी की चाबी किसी को नहीं देते, वो अपने पास रख के सोते हैं, तो सबसे ज्यादा जिनके पास पैसा होता है ना वो भगवान को ही देते हैं और घर में किसी को नहीं देते। तो इसमें जब हम बात करते हैं कि दैट आप इसमें जो बुद्धिस्ट हुआ तो वननेस का जो कॉन्सेप्ट है सेल्फलेस एक्ट्स जब हम बात करते हैं तो आप अपनी नीड से भी ज्यादा दूसरे की नीड को रियलाइजेशन करते हो और आप समझते हो कि उसको आपकी नीड की ज्यादा जरूरत है,
पर इसमें मैं एक चीज ये मेरा पर्सपेक्टिव है सर, आप मतलब जब हम इस चीज की बात करते हैं कि आपको दूसरे की नीड को समझना है, तो आपको ये भी समझना है कि कहाँ तक आपकी लिमिट है। ऐसा नहीं है आप किसी को डिपेंडेंट बना रहे हैं। तो इसमें तो जब हमने देखा कि ये तो बहुत ही ज्यादा ऐसे स्पॉन्टेनियस एक्ट्स थे, तो इसमें आपने वननेस को देखा, पर ऐसा नहीं है कि आप किसी वननेस के कॉन्सेप्ट को इतना फॉलो करने लगे कि आप लोगों को डिपेंडेंट बना रहे। एवरीवन शुड बी रिस्पॉन्सिबल विद देयर एक्ट्स, पर कहीं ना कहीं आपको अब उनकी भी ड्यूटीज, उनको रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, और अपनी जो ड्यूटी है वो तो हम कर ही रहे हैं और ड्यूटीज को भी परफॉर्म कर रहे हैं, लोगों की नीड है उसको भी फुलफिल कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम द पीपल शुड नो कि उनकी ड्यूटीज क्या है। आप अगर आप सबकी ड्यूटीज को लेके चलने लगोगे तो शायद आप ज्यादा दूर तक नहीं चल पाओगे। आप नीड वाले को, आपको नीड इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो एक वर्ड है नीड, उसको रियलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, किसको नीड की जरूरत है और किसी को नहीं है, ये चीज आपका कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस ही बताए। तो जब आप स्थिरता में होते हैं और अपना आपका मन शांत होता है, तो आप समझ पाते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल है, किसको आपकी नीड है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो नीड सिर्फ आपके फैमिली मेंबर्स को हो, किसी और को भी हो सकती है, पर ये रियलाइजेशन में हमेशा रहना उसको नीड है। आप कोई ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज हमें हमने ये बुक पढ़ ली है बनने से, तो अब हम सबका काम खुद करने लग जाएं। दैट हमें वो भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम सबके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें नहीं लेनी है। ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी को हम जब इसमें पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि नीड ऑफ मोरालिटी, कि ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी की जब हम बात करते हैं, तो यूनिवर्सल कंपैशन इज द ओनली गारंटी ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी, डिग्निटी, ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। तो जब हम यूनिवर्सल कंपैशन को लेकर आ जाते हैं, तभी हमारे जीवन में एक गारंटी होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी आ जाता है। सो और हम ये रियलाइजेशन करते हैं कि जो मेरा इनर बीइंग है, इनर बीइंग की जब हम इसमें बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। तो माई ओन ट्रू इनर बीइंग actually exists in every living creature as truly and immediately as known to my consciousness only in myself. मेरे को मेरा जो true being है वो हमेशा कैसे exist करता है, in every living creature, ठीक है, और as known to my consciousness, consciousness की इसमें बात करी गई है। और वो ही same चीज, morality एक बहुत बड़ा reason है इसमें, जब हम बात करते हैं फ्यूजन का, कि जाए कि जो इंसान नीड में है और जो रेस्क्यूअर है, जैसे हमने इसमें ऑर्चो की बात करी, लैरी डोसे ने अपना भी एक्सपीरियंस वॉर का डिस्कस करा, तो इसमें जब हमने जो भी डिस्कशन करा उसमें यही था कि जो रेस्क्यूअर है, जो भी हम बात करते हैं, वो फ्यूजन विद द पर्सन इन नीड। How separateness dissolved with individuality is set aside. How division is overcome and oneness become real. मतलब oneness become real. तो ये particularly एक book है जो Arthur Schopenhauer, एक German jurist है, उनने ये बात को discuss करा हुआ है. On the basis of morality, morality एक बहुत बड़ा reason है, तो हमारी society में laws भी बने हुए हैं. इसलिए हमने देखा है जो जर्मनी में जब जूनोसाइड हुआ था, बहुत सारे रिफ्यूजीज के जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो वो मोरालिटी पे ही आते हैं। तो इन पर्टिकुलरली ज्यूरिस्ट ने जो सोसाइटी का जो एग्जिस्टेंस है वो मोरालिटी के ग्राउंड पे बोला है, कि जो लॉ है, अगर कोई भी लॉ की भी हम बात करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं एज अ लॉ टीचर वो चीज आई जाती है, एंड इनकी जो बुक है ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी, ये कहीं ना कहीं हम लॉ में भी डिस्कस करते हैं, जब हम बेसिस ऑफ लॉ को डिस्कस करते हैं कि लॉ का बेसिस क्या होना चाहिए, तो बहुत सारे लॉज को हम जब बात करते हैं, कि हम एक कहीं ना कहीं मोरालिटी ग्राउंड होना चाहिए, तभी हम लॉ को इतना इम्प्लीमेंटेशन इन्फोर्समेंट कर सकते हैं। तो जब हम इसमें ऑर्थर बताते हैं, इनकी जो बुक है ऑर्थर की,
जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी इनने बताया गया है कि कंपैशन एक बहुत यूनिवर्सल कंपैशन एक बहुत बड़ी चीज है. अगर वो आ जाती है तो सोसाइटी में मोरालिटी आ जाती है, और मोरालिटी आ जाती है तो कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी में इतने डिविजन एग्जिस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ, जैसे इंडिया जब हम बात करते हैं इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, पर हम हमेशा किसी से भी हम बात करते हैं तो हमारे क्या होता है, अच्छा आप कौन सी स्टेट से हो, आप अच्छा आप इस स्टेट से हो तो आपकी ये, तो दैट इज डिविजन विच इज इन योर माइंड. हमने यूनियनिज्म की तो बात अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कर दी, बहुत सारे लॉज में कर दी, पर हमारे अंदर को अभी तक फीलिंग नहीं आई है. रिलीजन के बेसिस पे हम डिवाइडेड हैं, रिलीजन में भी कास्टिज्म में हम बहुत डिवाइडेड हैं, तो क्यों आज भी जो ऑनर किलिंग जैसे क्राइम हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं वो क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है. तभी हमने कहीं ना कहीं वो चीज अपने माइंड में रखी हुई है, और हमने स्टेट के वाइज लोगों को डिवाइड करा हुआ है, रिलीजन के वाइज डिवाइड करा, कास्ट के वाइज डिवाइड करा. पहले ऑक्यूपेशन का बेसिस था, धीरे धीरे सोसाइटी में आपका वे ऑफ स्टैंडर्ड के बेसिस पे डिविजन होने लगा. तो कंपैशन हमने बढ़ाया नहीं है, बहुत डिफरेंट वे से कम करते चले गए. और अगर कंपैशन आपकी सोसाइटी से जा रहा है तो मोरालिटी में जा रही है, और अगर मोरालिटी चली जाएगी तो बहुत सारी चीजों में हमारी सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी. तो इसमें ये एक बहुत चीज बड़ी उन्होंने डिस्कस करी है. और इनका जो एक और जो चीज है कि ग्राउंड ऑफ कंपैशन जो चीज आती है, तत्वसम असी ग्राउंड्स ऑफ कंपैशन अपॉन विच ऑल ट्रू दैट इज ट्रू से अनसेल्फिश वर्च्यू रेस्ट एंड हुज एक्सपीरियंस इज इन एवरी गुड डीड ह्यूमन एंड डिवाइन आर वन. इससे हमें ये हम जब पूजा की बात करते हैं, वननेस की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग इसकी चीज की बात करते हैं कि मूर्ति पूजा आप कर रहे हो और जो आपके घर में जो इंडिविजुअल है अगर आप उनके रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, उनसे अच्छे से नहीं बात कर रहे हो, तो डिविनिटी जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिविनिटी है वो कहीं ना कहीं आपके उसमें नहीं रहेगा. तो इसमें जब आप बात करते हैं कि आप डिवाइन और ह्यूमन बीइंग, डिविनिटी और ह्यूमन बीइंग की एक वननेस की बात करी गई है, और इसका जो ग्राउंड्स दिया गया है वो कंपैशन मोरालिटी है. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज इस बुक में बात करी गई है. अगर हम इसका देखेंगे तो यही एक मेन चीजें हैं जिसके ऊपर ये बुक डिस्कस करती है कि कंपैशन वगैरह एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है. अगर यूनिवर्सल कंपैशन एस्टैब्लिश हो जाएगा तो मोरालिटी एक उसका बेसिस बनेगा, और हम जो डिफ्रेंशिएशन सोसाइटी में है हम उस डिफ्रेंशिएशन को क्या करेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेगा वो. तो इसमें हमने जो लास्ट इसका जो पॉइंट है वो बुद्धिस्ट ऑब्जर्वेशन है. जो बुद्धिज्म की हम बात करते हैं कि आपका जो व्हाई पीपल परफॉर्म सेल्फलेस एक्ट, एंड बुद्धिस्ट जो एम्पैथी की जो बात है अगर हम देखेंगे तो बुद्धिज्म बहुत एम्पैथी की चीजों को डिस्कस करता है. हमने बहुत सारी चीजों में इसको डिस्कस करा हुआ है. तो आई एम नॉट एबल टू शेयर पीपीटी, मेरा कुछ इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी इशू हो गया है. कोई बात नहीं, बोल के बताओ. हाँ ठीक है, मैं उसको. सो इसमें जब हम आते हैं कि बुद्धिज्म जब हम देखते हैं, बुद्धिज्म में एम्पैथी के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज करा है, और एम्पैथी का जब कॉन्सेप्ट ना जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके यहाँ पर मतलब हम वो चीज जो हम किसी को हर्ट नहीं करते, ठीक है ना, क्यों नहीं करते कि हम कहीं ना कहीं दूसरे की हर्ट को समझ पाते हैं. और तो इसका एक जो एम्पैथी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बुद्धिस्ट ऑब्जर्वेशन में लिखा गया है, इट इज ओनली व्हेन यू हंट फॉर इट दैट यू लूज इट. तो आप जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा, व्हेन यू हंट फॉर इट दैट यू लूज इट, तो आप
हंट क्या है, मतलब अगर एम्पैथी की हम बात करते हैं, एम्पैथी के रिस्पेक्ट में हम जब बात करते हैं, तो एम्पैथी हमें बताता है कि आप जो वननेस और सेल्फलेसनेस की जो चीज को ज्यादा सेल्फ को आप जितना हंट करोगे तो ऑटोमेटिकली आप उसको लूज करोगे, और जब आप वननेस में आ जाते हो तो आप एम्पैथी को ऑटोमेटिकली फॉलो करने लगते हो. यू कैनॉट टेक होल्ड ऑफ इट बट इक्वली यू कैनॉट गेट रिड ऑफ इट. इसका मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसको मैं आराम से बोलती हूँ फिर से, यू कैनॉट टेक होल्ड ऑफ इट. आप हर एक चीज को होल्ड नहीं कर सकते हो, बट यू इक्वली यू कैनॉट गेट रिड ऑफ इट. मतलब हर एक चीज को आप हमेशा पकड़ के नहीं रख सकते हो, और ना ही हर एक चीज को आप बहुत जल्दी रिड कर सकते हो. तो जो इसमें यही है कि हर एक चीज को हमारा होल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ना कि हर एक चीज को हम बहुत जल्दी छोड़ सकते हैं. एंड व्हाइल यू कैन डू नीदर इट गो ऑन इट्स वे. तो जैसे यथावत जो हम बताते हैं इसमें बुद्धिज्म में विपासना में कि आप किसी चीज को कुछ मत करो, बस ऑब्जर्व करो, तो आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे वो चीज चली जाएगी आपकी लाइफ से. ऑब्जर्वेशन इज अ थिंग. जब आप नॉन जजमेंटल हो जाते हो, आप जज नहीं करते हो किसी को भी, आप वननेस में आ जाते हो, तो कहीं ना कहीं जब आप जज नहीं करते हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट जजिंग अदर्स, तो आप में आता ही ठीक है जो उसने करा है वो सही है और जो मैं कर रहा हूँ वो भी सही है. तो आप इस चीज को एक इसमें आता है कि आप उसको अपने वे में गोज फाइंड. इसका ये भी है कि गोइंग विद द फ्लो, आप जस्ट आप फ्लो के साथ चल रहे हैं. जो चीज हमने अभी डिस्कस करी कि जो ऑट्रे और लेरी डोसे ने बोला और जो रोहन सर ने डिस्कस करा कि दैट इज समथिंग यू आर डूइंग वेरी स्पॉन्टेनियसली. आप बहुत अपनी स्पॉन्टेनियस इंस्टिंक्ट से काम कर रहे हैं, आपने कुछ प्लान नहीं करा हुआ है. बिकॉज लाइफ में आप हर एक चीज प्लान नहीं कर सकते, होल्ड ऑन नहीं कर सकते. समटाइम्स यू कैनॉट इक्वली कैनॉट गेट रिड ऑफ इट, मतलब प्लान नहीं करा पर वो चीज आपकी लाइफ में आ गई तो आप उसको रिड भी नहीं कर सकते. तो आपने वो चीज कर दी है. यू रिमेन साइलेंट एंड इट्स स्पीक, यू स्पीक एंड इट्स डम. मतलब इसका यही है कि यू रिमेन साइलेंट, आप क्या हो, आप साइलेंट होते हो तो चीजें सामने आपकी. कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप बहुत सारे लोगों का स्पिरिचुअलिटी में ये आता है कि मैं ही क्यों ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो आप प्रॉब्लम शायद आपकी वो प्रॉब्लम पहले तो आपका अप्रोच ही है ऐसा. और देन द सेकेंड क्वेश्चन कम कि आप हर एक चीज में आपकी लर्निंग है और यू रिमेन साइलेंट एंड इट स्पीक. आप बहुत साइलेंट तो सामने वाला पर्सन स्पीक करेगा, आप समझ पाओगे उसको. एंड यू स्पीक एंड इट इज डम. जब आप एक्ट कर दोगे तो वो कहीं ना कहीं वो साइलेंट हो जाएगा. तो ये एम्पैथी के कॉन्सेप्ट है इसमें. सर तो इस पूरे चैप्टर को अगर मैं 5 points में डिस्कस करूं, सो आपका कंपैशन, एम्पैथी, कॉन्शियसनेस, इंस्टिंक्ट एंड इस काइंड ऑफ अ मोरालिटी. And if we, all of us across the globe follow this particularly principle, one mind happens and the peace and humanity ko hum jaise United Nations jo itne wars hue hamari society mein, lot of war happens in our society, that will not happen, wo hote hi nahi. Aur agar hue hain to hamari society mein is cheez ki existence kam hai. Aur agar ye existence the people we are on this particularly path, agar hum isko follow karenge, eventually the peaceful society will be restored, the people resume the faith in not in religion. Religion to mujhe aisa lagta hai ki humne befizool mein usko divideation bola hai, but morality hamare religion mein hai, har ek religion mein hai. To agar hum us cheez ko apne life mein leke aate hain to that will hum एक पीसफुल एक हैप्पी सोसाइटी बना सकते हैं. और हम बन रही है, हमें अफर्मेशंस भी यही देना है कि इट इज बिकमिंग. सो दैट विल आई विल लाइक टू कंक्लूड इट कि दिस इज ऑल माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस पर्टिकुलरली चैप्टर. वेरी नाइस, वेरी गुड, गुड प्रेजेंटेशन ऑफ द वर्क फर्स्ट चैप्टर.
अच्छा प्रेजेंट किया, कंपैशन, मोरालिटी, इथिक्स, एम्पैथी और चिंतन मनन करने को हम मजबूत हो को हम सोचने लगे। और एक राइट डिस्कशन वो है जब हमारे पास बेहतर क्वेश्चन आ जाए। और जीवन में हमें लोग बहुत ऐसा लोग सोचते हैं कि अगर सभी चीजों का जवाब मिल जाए, सभी चीज का आंसर मिल जाए तो हम समझ गए। नहीं, अभी आप जिस लेवल ऑफ थिंकिंग पर हैं उससे बेहतर लेवल ऑफ थिंकिंग पर पहुंच जाएं और उस लेवल पे के अच्छे क्वेश्चन आपके पास हों। हर चीज को जानना जरूरी नहीं है, हर चीज का आंसर हम जान भी नहीं सकते, जानने की जरूरत भी नहीं है। अभी हम जो जान रहे हैं उसके नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन हमारे पास हो। और वो क्वेश्चन सर कैन आई, हाँ बोलो, यस यू कैन सर। आई जस्ट एड ऑन वन थिंग, जब हम बहुत सारी जैसे जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी में भी, परफेक्शन में भी, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें ये थी कि परफेक्शन इज अ जर्नी एंड स्पिरिचुअलिटी इज अ जर्नी, देयर इज नो डेस्टिनेशन ऑन इट। और अगर हम हर एक लेवल पे सीख रहे हो, ग्राउंडेड रह के इंजॉय कर रहे हो, ब्लिसफुल हो, एंड यू जस्ट अपने आप को एक अवेयरनेस के साथ पास्ट प्रेजेंट में एक अपना असेसमेंट, मुझे लगता है यू कैन नॉट फेक विथ योर सेल्फ। मैं आपके सामने कुछ प्रेडिक्ट बन सकती हूँ पर मैं अपने आप को झूठ नहीं बोल सकती। सो वन माइंड मीन्स दैट आप प्रिडिक्शन ही नहीं कर रहे हो, यू जस्ट विथ योर सेल्फ विथ एवरी वन। लाइक जब आप देखोगे जो सत्संग होते हैं और कभी आपने ओशो के सत्संग देखे होंगे, तो पीपल जस्ट डांस लाइक एनीथिंग, रेजिंग देयर हैंड्स इन अ वेरी ब्लिसफुल स्टाइल, सो दे डोंट लुक एनीवेयर, उनको मतलब ही नहीं होता। सो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि जब बारिश हो रही तो मुझे लगता है मैं वहां पर डांस कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई देखे नहीं बस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दैट इफ आई लुक द पीपल विल जज ऑन मी एंड वो ऑब्जर्वेशंस करेंगे। बट परफेक्शन जो आज बहुत सारे लोग जुड़े हैं, इट इज इन अ जर्नी, इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी। और शायद हमें अपनी लाइफ पे, मैं तो यही कहूंगी कि दैट आई एम ग्रोइंग, और मुझे इस चीज के लिए थैंक्स टू सौरभ सर, एवरी वन। सो मुझे ऐसा लगता है एवरी वन इज टीचिंग यू इन एनी वे, टेक योर लाइफ एज एन एक्सपीरियंस, मेक कॉन्शियसनेस, मेक वननेस। अगर आप वननेस में जाओगे तो आप सबको एज इट इज एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्टेड बड़ा क्वालिटी में, और आप नॉन जजमेंटल हो जाओगे, परफेक्शन को एंजॉय करोगे, अपने आप को एंजॉय करोगे। लाइफ तो एंजॉय करने के लिए है, सो आई दिस इज द थिंग कि परफेक्शन इज अ जर्नी, असेस इट, अवेयर इट एंड अचीव, इट इज नॉट समथिंग टू बी अचीवेबल, इट इज अ जर्नी with a beautiful smile, carry on it, और enjoy करना है। कोई हम task करने नहीं आए यहाँ पे, हम enjoy करने आए हैं बस life को, और enjoy with learning, that is one of my things which I want to add in, कि आप अपने आप को हमेशा assess करते रहिए, किसी के assessment की किसी की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमें अपने आप को हमेशा gratitude सबसे पहले अपने आप को भी pay करना चाहिए कि whatever we are doing it, at the end when you are sleeping it, हमें नहीं पता कि हम अगले दिन जागेंगे, but the last time you are taking a breath, gratitude to your body who help you to live all day, so that is important कि आप अपने आप को हमेशा assess करिए with gratitude। Yes sir, now we can ask questions. One question to you, what is perfection? Okay. What is perfection? So I think perfections. You, मेरे हिसाब से perfection is a beautiful journey where you are learning in each and every moment of your life, without any guilt, without any judgment,
जस्ट जो हमने बात करा जिस पीसफुल ऑब्जर्वेशन एंड बिलीविंग इन द यूनिवर्स यस इट इज हैपनिंग फॉर माई बेटरहुड एंड इफ इट इज समथिंग द क्वेश्चन शुड एंड इफ क्वेश्चन इज अराइजिंग फाइंड आउट द आंसर विद इन योर सेल्फ एंड इफ द आंसर इज इज नॉट देन द राइट टाइम कम्स द यूनिवर्स विल गिव यू द आंसर्स सो इट्स अ जर्नी एंड इट्स अ things you are learning in each every moment of your life. Can one be perfect? I am perfect right now. So and if, I will if, be perfect if, till my if, last. If one is perfect, then there is sense that there is nothing more to be added, nothing more to be learned. And when one thinks or feels he or she is perfect, then a stagnancy comes. ठहराव जीवन में ठहराव आ जाता है और जहां पे भी जब पानी ठहरता है तो सड़ने लगता है. Life is a movement. बहते हुए पानी में ही freshness है. सीखने का attitude constant चाहिए. Perfection can never come. Perfection can come only and only if you have a fixed line. If this is the thing. बट यूनिवर्स में लाइफ में जो कि इनफाइनाइट है कभी ये स्टैटिक होता ही हो ही नहीं सकता. ये स्टैटिक की धारणा ही इम्परफेक्ट. परफेक्शन डजंट एग्जिस्ट. सर इसमें मैं एक चीज बोलो. ओके सो आपने परफेक्शन को यहाँ रखा है. ओके मैंने जो चीज बोली मैं परफेक्शन को इधर रख रही हूँ एंड आई एम ग्राउंडेड. आई एम परफेक्ट राइट नाउ बट एट द सेम टाइम आई एम ओपन फॉर रिसेप्टिव ऑफ न्यू नॉलेज एंड लर्निंग बिकॉज इट्स अ जर्नी. सो इट्स अ थिंग विच आई एम कीपिंग इट हेयर बट एट द सेम टाइम आई एम ओपन रिसेप्टिवनेस. मैं इसको बंद नहीं कर रही हूँ. मैं इसको ऐसे करके अचीव कर रही हूँ एंड आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर एवरीथिंग. एंड बिकॉज जो मैंने फर्स्ट लाइन बोली थी मैंने दैट कि सर इस चीज को मैं इसलिए बोल रही व्हाई आई एम परफेक्ट राइट नाउ बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे अभी तो स्थिर होना पड़ेगा. अगर मैं स्थिर हो गई इस लेवल पे तो मैं बढ़ूंगी. मैं परफेक्शन तो यहाँ रख ही नहीं रही हूँ. मैं ऊपर में रख रही हूँ बिकॉज मैंने तो जर्नी बोला इट्स एन इनफाइनाइट जर्नी. मैं इसको यहाँ रख रही हूँ एंड आई एम ओपन इट फॉर रिसीविंग एंड ग्रोइंग. सो मेरा परफेक्शन को रखने का यहाँ मतलब नहीं है. इट्स ए जर्नी. आई एम कीपिंग इट हेयर एंड आई एम ओपन एंड लर्निंग. सो और आई एम परफेक्ट. मैं स्थिर हूँ. स्थिर अगर मैं ओपन हूँ और मैं लर्निंग के लिए अपने आप को ओपन रखा है तो दैट इज ऑल्सो परफेक्शन. परफेक्शन को मैंने एक जर्नी ही माना है और मैंने उसको यहाँ रखा है. मैंने यहाँ नहीं रखा. सो दिस इज माय वो चीज है. और सबके अपने अपने ओपिनियन है पर इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस यस इज ब्यूटीफुल वर्ड. हम हमेशा आगे बढ़ते रहे. एक मंजिल पहुंच जाने के बाद अगली मंजिल. जोनाथन लिविंगस्टन सीगल एक स्टोरी बुक है रिचर्ड बैक की वो पढ़िएगा. बहुत खूबसूरत कहानी है. एक पक्षी की कहानी है जो सर विच बुक रिचर्ड बैक की बुक जोनाथन लिविंगस्टन सीगल. इट्स अ स्मॉल बुक बट वेरी ब्यूटीफुल बुक. एक पक्षी एक समुद्री पक्षी की स्टोरी है. उस ट्राइब के बर्ड्स जो हैं वो ऊंची उड़ाने नहीं भरते लेकिन उसको उसके ख्वाब होता है कि मुझे देखनी दुनिया देखनी है मुझे उसी उड़ान भरनी है. वो ट्राई करता है उस बीच में वो गिरता है फिर वो उठता है और वो उड़ान भरता है जो कि पॉसिबल नहीं था उस कम्युनिटी के बर्ड्स के लिए. ये स्टोरी पढ़कर अगर समझ में आ गई अगर लाइफ में हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लायक हो गए तो
इवोल्यूशन कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। जो इवोल्यूशन कंसेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ, शायद मैं अभी तक सफल नहीं हुआ हूँ समझाने में, कि वी नीड टू शिफ्ट आवर अटेंशन टू इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। ये स्टोरी, दिस स्टोरी विल हेल्प। कहीं भी अगर हम ये सोचने लग गए कि अब तो सब कुछ मिल गया जी, तो वो ऐसा कभी होता नहीं है। एक अच्छा क्वेश्चन आया था रोहन की तरफ से कि हाउ टू हेल्प चेंज माइंडसेट ऑफ दोज स्प्रेडिंग टेरर, हैट्रेड, डूइंग क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। यहाँ पर कई सारे पर्सपेक्टिव हैं। एक सबसे पहले बात है शैडो वर्क, शैडो कॉन्शियसनेस। व्हाट इज शैडो कॉन्शियसनेस, एनी को आइडिया है? देयर इज अ वेरी गुड स्पिरिचुअल टीचर डेबी फोल्ड, उन्होंने इस पर काम किया है काफी, शैडो वर्क, शैडो इफेक्ट। जो हम दूसरों से छिपाना चाहते हैं वो शैडो कहलाता है, और यही शैडो जो है, जो हम दूसरों से छिपा रहे हैं, बता रहे हैं, यही हमारे छोटे छोटे शैडो मिलकर ग्लोबल लेवल पे, बड़े लेवल पे क्राइम, टेररिज्म और दूसरे दूसरे चीजें बनती हैं। अगर हर जगह पर ट्रांसपेरेंसी है, ऑथेंसिटी है, ऑथेंटिसिटी है, इंटेग्रिटी है, तो कहीं पर भी कुछ रहेगा ही नहीं। तो दुनिया में हमें वो दिखता है, उससे हम ज्यादा परेशान होते हैं जिस जो हमारे भीतर, जिसका बीज अभी है, जिसका वाइब्रेशन भी हमारे भीतर है। तो हमें एक तो अपने शैडो पे काम करना है, वो एक बात है। दूसरी बात, इफ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड, आगे कोटेशन किसी को याद है बताएंगे? Change yourself first. Yes. अब यहाँ पे लगेगा कि अरे मैं टेररिस्ट थोड़ी ना हूं। ठीक है, आप टेररिस्ट नहीं है, लेकिन टेररिस्ट में क्या एलिमेंट होता है? अपना मतलब साधना, अपना मतलब साधने के लिए किसी भी एक्सटेंड तक जाना, दूसरों के फ्री विल को रेस्पेक्ट नहीं करना, उस चीज को हम अपने लाइफ में कम करते जाए। और गांधी ने कहा बी द चेंज विच यू वॉन्ट टू अदर इन वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। अगर हम दुनिया में पीस देखना चाहते हैं, अपने लाइफ को हम पीसफुल बना लें, हमारे पीस को देखकर दूसरे लोग इंस्पायर हों, और जब एक से दूसरे बनते हैं, व्यक्ति व्यक्ति से समाज बनता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पीसफुल हो जाने से क्या टेररिज्म बंद हो जाएगा। यस, बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, पहले कम होगा और फिर बंद होगा। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। कॉन्शियसनेस को जब हम समझने जाएंगे, वन कॉन्शियसनेस, इट इज वन कॉन्शियसनेस। अगर आप अपने भीतर बदलते हैं तो दुनिया में भी बाकी सब बदलने लग जाएंगे। बी द चेंज। तो यह सब बातें समझनी है, जीवन में उतारनी है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। लर्न टू एक्सेस वन माइंड।